नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर है पार्ट 6, क्रिया और काल। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, क्रिया और काल पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा चैप्टर संज्ञा सर्वनाम विशेषण यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, अब हम क्रिया और काल पढ़ेंगे। तो क्रिया पढ़ने से पहले हम जान लें कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। किसी भी शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे कि राधा खाना खा रही है, रोहित पढ़ रहा है ना, रिया नाच रही है, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, खाना, पढ़ना, नाचना, ये सब क्या है, ये क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, क्रिया के अंतर्गत आएगा। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो क्रिया का मूल रूप है, जैसे कि मूल रूप में आ गया नाच, है ना, खाना, है ना, और ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, क्रिया के मूल रूप है, ये धातु है, ये धातु के अंतर्गत आएंगे। पानी बह रहा है तो बह जो है वो धातु है। ठीक है ना, ये सारे जो मूल रूप हैं क्रिया के, ये धातु कहलाते हैं, ये धातु के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा क्रिया के रूप होते हैं, ठीक है ना, कितने, दो भेद होते हैं क्रिया के, रूप या भेद कह सकते हैं हम, दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जिन क्रिया में कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है, कर्म मतलब करना, किसी काम को करना या कोई चीज उसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, है ना, कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, लेकिन जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब ये कर्म क्या है, है ना, कर्म जैसे कि रीना अखबार पढ़ रही है ना, अगर हम कहेंगे कि रीना अखबार पढ़ रही है ना, पढ़ रही है, तो ये जो है रीना अखबार पढ़ रही है, इसमें ये क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है ना, तो अखबार पढ़ना क्या है, उसका कर्म है, तो इसके अंदर तो क्या हो गया, कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सकर्मक हो गया, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता, है ना, नहीं होता, जैसे कि हम कहेंगे रिया रो रही है, रिया रो रही है, अब रोना जो है वो उसका क्या है, काम है, है ना, रोना तो उसकी क्रिया होगी, वो रो रही है उसकी क्रिया है, वो किसी के साथ नहीं रो रही है ना, वो किसी के साथ नहीं रो रही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है ना, तो बेटा इसी तरीके से हम और उदाहरण देखेंगे इनके, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, सुकेत पुस्तक पढ़ता है, नीता आम खाती है, सुशील कार चलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन राधा रोती है, हरी हंसता है, गुड़िया सोती है, ये सारी क्रियाएं कौन सी है, अकर्मक क्रिया है ना, रोना, सोना या हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया है, लेकिन कार चलाना, कार के साथ कोई क्रिया हो रही है ना, नीमा आम खाती है, आम के साथ कोई क्रिया हो रही है ना, या पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक के साथ जो क्रिया हो रही है, ये सारी किसी न किसी चीज के साथ जुड़ के हो रही है, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन राधा रोती है
होती है, ये किसी चीज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इनके साथ कोई भी चीज नहीं है, ये अकेले हैं, है ना। अगर आप पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना, तो अगला कहेगा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसके साथ पुस्तक है। लेकिन अगर कोई रो रहा है तो हम उसे ये थोड़ी पूछेंगे कि आप क्या रो रहे हो, नहीं पूछेंगे ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। एक ही क्रिया का प्रयोग होगा, एक ही क्रिया का प्रयोग होना किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। एक ही क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया है। और नेक्स्ट हमारा है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती है तब वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि बादल गरजने लगे, राधा सो चुकी, यहाँ गरजने और लगे साथ तथा सोने और चुकी, दो दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई है, ठीक है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया होंगी, ठीक है, नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है। फिर इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है ना, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, ठीक है। माँ बेटे से पत्र लिखवाती है ना, माँ स्वयं पत्र को नहीं लिख रही है, माँ बेटे से वह पत्र लिखवा रही है, तो वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है ना, मैंने आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे दे दिए, अब मैंने आपको पढ़ाई के ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेरणात्मक क्रिया होगी। हम स्वयं कोई चीज को न करके दूसरों से अगर कोई क्रिया करवा रहे हैं, हम स्वयं कोई भी काम ना करके अगर दूसरों से हम कोई कार्य करवा रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर है क्रिया और काल, आज हमारा क्रिया तक का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रिया किसे कहेंगे, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो मूल रूप है जैसे कि नाच, है ना, पढ़, बह, पानी बह रहा है तो बह, ये सारे क्या है, इसके मूल रूप है, ठीक है। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सकर्मक क्रिया में कर्म जुड़ा हुआ है, जैसे कि रीना अखबार पढ़ रही है, ठीक है ना, इसमें अखबार पढ़ना उसका कर्म है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन रिया रो रही है ना, इसमें कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद हमारे तीन क्रियाएं और है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। एक ही क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया है, जब एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा, और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं जब एक साथ होती है ना, दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया जब होगी एक साथ तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया, जब स्वयं कोई कार्य न करके किसी और के द्वारा कार्य कराया जाना वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ओके। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो अच्छे से रीड करनी है, लर्न करनी है। इसी चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया और का,
आपको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।